हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आज पूरी होने वाली है। आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि भाभी का मेकओवर करो, तो मैंने सोचा चलो आज भाभी का मेकओवर ही करती हूँ। जो जो मैं उसके लिए करने वाली हूँ, क्योंकि इसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना आजकल, तो इसी वजह से मैं उसको जो भी करने वाली हूँ आज वो आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो अभी उसका जो थ्रेडिंग है वो करते हैं, क्योंकि उसके आइब्रोज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लॉकडाउन में कहीं गए नहीं हम लोग और पार्लर भी नहीं जाना हुआ। तो अभी हम लोगों ने, मेरा मतलब दीपाली ने ही एक्स्ट्रा मेरे निकाल दिए जो एक्स्ट्रा थे। वैसे मैं घर पे ही करती हूँ वो आपको पता ही है, बट अभी सोचा कि दीपाली को आता है तो दीपाली निकाल देगी, उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला यहाँ पे जो थे। और मैं अभी उसका थ्रेडिंग करके देने वाली हूँ, और उसके बाद मैं उसका हेयर ऑयलिंग, उसके बाद हेयर मास्क सब कुछ लगा के देने वाली हूँ। आज उसका पूरा मेकओवर ही होगा, हेयर कट भी होगा, सब कुछ देखते रहना। तो चलिए फिर अभी करते हैं उसका मेकओवर। दीपाली के आईब्रोज पे पाउडर, क्योंकि दर्द ना हो इसी वजह से, और जल्दी से फिर बाल भी निकल जाते हैं इससे और दर्द भी नहीं होता है। तो वो यहाँ पर पाउडर लगा ले रही हूँ, उसके बाद अभी इसका आईब्रोज बनाऊंगी। थ्रेडिंग तो हो गई है अभी, ये देखिए क्लीन तो लग रही है, वैसे अच्छी लगी ना आपको। तो अच्छी लगी। चलो थ्रेडिंग तो हो गई है, अभी दूसरा करते हैं। तो गाइज, अभी दीपाली के हेयर फॉल हो रहा था, तो ये पूरा हेयर ऑनियन रेंज जो है वो अप्लाई करने वाली हूँ मैं दीपाली के बालों पे। तो ये है गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, उसके बाद ये है गुड वाइब्स का हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क, और उसके बाद ये है ऑनियन सीड्स गुड वाइब्स का प्योर इसेंशियल ऑयल ऑनियन सीड्स का। आपको पता ही है कि ऑनियन कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए, और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, आपका हेयर का टेक्सचर चेंज करता है, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है आपके हेयर का टेक्सचर इससे। और ये है गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल। तो सबसे पहले मैं दीपाली पे अप्लाई करने वाली हूँ ये हेयर ऑयल, और उसके अंदर मैं फ्यू ड्रॉप्स इसके डालूंगी, मतलब जो गुड वाइब्स का ऑनियन सीड्स ऑयल है, मतलब प्योर इसेंशियल ऑयल, तो इसके डालूंगी। तो ये थोड़ा सा इस कटोरे में डाल देते हैं हम, 1 मिनट, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालना है आपको इसेंशियल ऑयल के, ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको, क्योंकि इससे हेयर फॉल जल्दी ही कंट्रोल होता है। और दीपाली ने अभी बताया मुझे कि हेयर फॉल उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको अप्लाई करके देती हूँ और उसके बाल भी अच्छे हो जाएंगे इससे और हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। इसेंशियल ऑयल के सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं बस इतने, और आपको इसे मिक्स कर लेना है और इससे आपको अप्लाई करना है आपके बालों पे, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। और ये ऑयल ना आपको रूट पे लगाना है, बालों पे कम अप्लाई करना है, रूट पे ज्यादा अप्लाई करना है। रूट पे लगाओ और अच्छे से मसाज करो इससे, तो ही आपका हेयर फॉल कम होगा। और अच्छे से मसाज करना है रूट पे आपको, इसके स्कैल्प पे लगना चाहिए ये पूरा, और अंदर बालों के जड़ों तक पहुंचना चाहिए, तब भी आपका हेयर फॉल कम होगा। और बहुत ही अच्छा ऑयल है, मतलब ऑनियन ऑयल तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। और इसने अभी तक तो बताया नहीं था दीपाली ने मुझे कि इसका हेयर फॉल हो रहा है। आज ही हमारा डिस्कशन हुआ कि दीपाली का हेयर फॉल हो रहा है, और मैंने सोचा चलो इसका, आप बोल भी रहे थे कि मेकओवर कर दो मेकओवर कर दो, तो मैंने सोचा इसका थ्रेडिंग भी कर देती हूँ दीपाली का, और उसके बाद उसके बाल भी कट कर दूंगी और हेयर भी अच्छे हो जाएंगे उसके। तो थोड़ा सा बस ये मसाज कर देती हूँ ऑयल का, उससे अच्छे हो जाएंगे बाल। दीपाली बांध लेगी बालों को उसके, और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद वॉश करना है, 2-3 घंटे भी रखे तो चलता है।
अभी वॉश कर लेना है और उसके बाद मैं अप्लाई करके दूंगी उसे ये क्या बोलते हैं मास्क, इस वाले शैम्पू से वॉश करेगी वो और ये वाला मास्क अप्लाई करके दे दूंगे। और हाँ, इन सारे प्रोडक्ट के अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अभी सेल चल रहा है तो आप परचेस कर सकते हो इन सारे प्रोडक्ट को। अभी मैं हेयर मास्क अप्लाई करने वाली हूँ गुड वाइब्स का, ये दीपाली के हेयर के ऊपर। अभी दीपाली ने शैम्पू कर लिया है, एक्चुअली शैम्पू करने के बाद वेट बालों में ही आपको अप्लाई करना है ये, तो आपके स्कैल्प में और आपके पूरे बालों में अप्लाई करना है, और आपके बाल इतने अच्छे हो जाते हैं ना इससे, मास्क से बहुत ज्यादा अच्छे। अभी आप देख लेना दीपाली के हेयर का टेक्सचर कितना बदल जाएगा। और देखो स्कैल्प पे भी लगाना है आपको और आपको अपने पूरे बालों में भी लगाना है इस मास्क को। ये गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर मास्क है, हेयर फॉल रेंज है। मास्क अप्लाई हो करना हो चुका है, ये दीपाली 15 से 30 मिनट तक रखेगी और उसके बाद अपने सादे जो सिंपल पानी होता है प्लेन वाटर उससे वॉश कर लेना है इसे, और ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से, ठंडे पानी से ही वॉश कर लेना है। और बस ये हो गया आपका पैक, इसे बांध लो और इसे अभी 15 से 30 मिनट के बाद वॉश कर लेना और उसके बाद हम लोग देखेंगे हेयर कट का। तो गाइज ये वाला जो मोबाइल है ये किस किस ने देखा है और किस किस के पास था ये बताना जरूर कमेंट करके, क्योंकि अभी अद्विक को मिला है ये, मतलब खिलौना समझ के अद्विक खेल रहा है इससे, और ये सबसे पहला मोबाइल है हमारे घर का। तो मतलब बहुत लोगों ने ये वाला मोबाइल यूज़ किया होगा जब मोबाइल नए नए थे, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, नोकिया का ये मोबाइल तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस ने ये यूज़ किया है। और जब मेरे घर पे कोई भी मोबाइल नहीं था तब सबसे पहला मोबाइल पापा ने ये वाला लिया था, और आप देख सकते हो बहुत लोगों ने यही वाला मोबाइल लिया होगा सबसे पहले, उनके घर का सबसे पहला मोबाइल यही होगा। बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग जब ये लिया था, और अभी देखो इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, अभी अभी खिलौना समझ के खेल रहा है इसे, उस टाइम कितनी ज़्यादा वैल्यू थी इसकी। ऐसे ही होता है यार, ज़माने के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो चलो दीपाली का मतलब मेकओवर करते हैं, दीपाली के मेकओवर टाइम है तो दीपाली के हेयर स्ट्रेट करते हैं, और ये स्ट्रेटनर यहाँ पर हीट होने के लिए रखा है मैंने, तो बस अभी स्ट्रेटनर हीट हो जाए इसके बाद मैं दीपाली की हेयर स्ट्रेट करती हूँ और आप लोग देख लीजिए। अभी आप देख लो दीपाली के बाल कितने ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं दीपाली के बाल, और अभी ये स्ट्रेट करने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, आप देख सकते हो। स्ट्रेट कर देती हूँ मैं बालों को और उसके बाद हमें बाल को कट करना है। आज आप दीपाली का न्यू लुक देखने वाले हो, दीपाली मॉडर्न लुक में कैसी दिखती है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब वेट था इस वीडियो का, और आप लोगों ने काफी दिनों से कमेंट की थी कि मुझे दीपाली का मेकओवर करो, दीपाली का मेकओवर करो। फाइनली दीपाली का मेकओवर वीडियो आ गया है और अभी आपको दीपाली का मेकओवर देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देख सकते हो दीपाली के बाल कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गया है, अभी से मुझे कट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने ही कट किए थे और अभी भी मैं ही कट कर रही हूँ दीपाली के बाल, थोड़े थोड़े कट करूंगी बट अच्छे से शेप दे दूंगी, ये स्ट्रेट या यू शेप, यू शेप दू या स्ट्रेट दू, स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही करती हूँ। देखिए दीपाली के बाल हो गए हैं कट आउट, ये देखो बस थोड़े थोड़े ही काटे हैं बट बहुत अच्छे से लुक दिया है, देखो पूरे स्ट्रेट दिख रहे हैं अभी, और इसकी वजह से ना दीपाली का लुक बहुत अच्छा आ रहा है अब। तो अभी हम लोग करेंगे फेस का मेकओवर। चलो ये है मेरा अभी मेकअप का पिटारा, अभी मैं फेस का मेकओवर करने वाली हूँ दीपाली के। पिटारा यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन है दीपाली के सूट होगा ये वाला, ये लगाती हूँ।
सबसे पहले करना है प्राइम फेस को, तो दीपाली को मैंने रेडी कर दिया है और अभी तक दीपाली ने मुंह छुपा के रखा है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे मेकओवर किया है मैंने दीपाली का, और आप देख लीजिए अभी दीपाली का मेकओवर। घर पे मतलब नीचे भी जाएंगे हम लोग, और नीचे जाने के बाद हम लोग सबका रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलिए पहले दीपाली अभी देख लीजिए आप दीपाली को, और फिर नीचे चल के सबका रिएक्शन देखते हैं। कैसी लग रही है दीपाली कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और पूरा लुक जो है वो आपको दिखा दी हूँ, और नीचे चल के देखते हैं सबका रिएक्शन। मतलब नीचे चल के सभी लोग हैं नीचे, पता नहीं अभी कौन कौन है, पापा तो नहीं होंगे, मम्मी है, भाई है, सबका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा है। अभी तो आप फिलहाल देख लीजिए, अभी आप बताइए कमेंट करके जल्दी से कि कैसी लग रही है दीपाली, और दीपाली का मेकओवर मैंने कैसे किया है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक। ये आ जाओ, अभी रिएक्शन देखते हैं सबका। ये मागे पहा तुमच्या, तुमची सुनवाई पहा। अरे बाप रे, तू ट्रिप मध्ये आला नव्हता ना, आता समोर बघ कस दिसते तिथं। नवीन बघ, सुंदर वाटत आहे ना? हो, थोडेसे खालून असे स्ट्रेट केले, कसे वाटतंय? आणि गोलू तुला कशी वाटत? तो तर त्याचा नजरच हटवत नाहीये, कशी वाटते? छान वाटते ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी दीपाली, और न्यू लुक दीपाली का कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मतलब यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट टाइम पहना होगा ना जींस? हाँ, ट्रिप पे तो पहना था, वो तो ठीक है, मतलब वो तो इन लोगों ने फोटोज में ही देखा था। हाँ, ऐसे घर पे देखा ही नहीं मम्मी ने, फोटोज में ही देखा था, बट अभी लाइव देख रही है मम्मी। ए सांग ना एक वेळ परत, खरच नक्की मनापासून आवडले तुला मेकअप की लुक की काय काय? मेकअप आणि लुक आणि केस सर्व सर्व खूप छान। अरे वाह वाह वाह, मम्मी बोल रही है सब कुछ बहुत अच्छा है, बाल भी बहुत अच्छा है, मेकअप भी बहुत अच्छा है, और ड्रेसिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो सच नहीं कर रहा है। एक एक टक लगा के देख रहा है उसकी तरफ। चलो बहुत सुंदर दिख रही हूँ दीपाली। चलो फिर अभी आज मम्मी ने बनाया है ढोकला, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको ढोकला। ढोकला ही खाते रहते हैं हम लोग। एक मिनट लाइट्स ऑन करती हूँ। यहाँ पर बना के रखा था मम्मी ने ढोकला, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि ढोकला खाने का मन कर रहा है भाई का और मेरा सबका, तो इस वजह से मम्मी ने ये ढोकला बनाया है। अभी ढोकला खाएंगे, और आप लोग सोचोगे कि हमेशा इनके यहाँ पे ढोकला ही बनता है क्या, तो वो इसकी वजह से बनता है। ये ढोकला लवर है हमारे घर पे, वो इसकी वजह से ये ढोकला बनता है हमारे घर पे। मतलब कभी भी इसे पूछो कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है या क्या बनाए नाश्ते में, तो वो ढोकला ही बोलेगा, ये ढोकला लवर है हमारा। ढोकला ढेकले, इसी वजह से हम लोग ढेकले ढेकले हो रहे हैं, ढोकला ढोकला खा खा के। तो चलो ढोकला खा लेते हैं अब। और देखो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, फोटोज क्लिक कर रही है दीपाली अभी, आपको ये इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, इनका फोटो सेशन चल रहा है, तब तक भाई आपको बता देगा दीपाली का इंस्टाग्राम हैंडल।
दीपा, दीपा अंबड़कर ना, दीपा अंबड़कर। और स्पेलिंग डी आई पी आई ए एम बी ए डी के ए आर है ना, वही है ना, बस सर्च कर लेना। और आपको दीपाली के यहाँ पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फोटो सेशन चल रहा है अभी, वो फोटोज दीपाली डालने वाली है इंस्टाग्राम पे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना मुझे, और दीपाली कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताना मुझे। चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपकी डिमांड मैंने पूरी कर दी तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देना। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो जल्दी से हम लोग मतलब केक कट करेंगे 100K का, और जल्दी से हमारे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।